दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, छोटे बच्चे को सचिन, छोटे बच्चे को मैडम बुलाती है, हे सचिन इधर आ, ये किताब मधु गुप्ता मैडम को दे के आ। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल, स्टूपिड एग्जाम्पल है बट ड्राइव्स होम द पॉइंट। छोटे बच्चे को प्रिंसिपल बुलाता है, हे सचिन इधर आ, ये कॉपी मधु गुप्ता मैडम को दे के आ। वो बच्चा कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, भागता हुआ जाएगा, मधु गुप्ता जी को किताब दे, भागते भागते आएगा, सर क्या काम दिया प्रिंसिपल ने, एक छोटा सा काम दिया। कौन सा काम दिया, एक कॉपी देने का। उसको भी कितना एंथुसियाज्म से करेगा, और घर आके मम्मी को बताएगा, मम्मी मम्मी प्रिंसिपल को ना मेरा नाम भी पता है, प्रिंसिपल को मेरा नाम पता है, प्रिंसिपल ने मुझे क्या काम दिया, एक कॉपी देने का। और घर आप बच्चा प्रिंसिपल को मना कर दे, सर मैं बिजी हूं, सर आई एम सो बिजी, प्रिंसिपल के पास बच्चों की कमी है, वो किसी और को काम देंगे। यदि आपको कोई कर्म दिया है तो इस भाव से दीजिए कि प्रभु ने मुझे एक कर्म दिया। यदि आप बच्चों की केयर कर रहे हो तो इस भाव से कीजिए कि प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया इस कर्म के लिए। यदि आप देश के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो इस भाव से कीजिए कि प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया। यदि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं ये मॉर्निंग नोट एंड ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, तीनों मील में आपको ज्ञान का भूख फुलफिल कर रहा हूं, तो इस भाव से मैं करूं कि इसके बाद मुझे क्या फल मिलेगा, कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे, इसलिए करूं कि शुक्र है प्रभु का मुझे, शुक्र है प्रभु का कि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए सक्षम बनाया। दे ऑल्सो सर्व दोज हू स्टैंड एंड वेट। तो वो सचिन कैसे काम करेगा, पूरे एंथुसियाज्म से काम करेगा। सो प्लीज अपने कर्म को इसलिए कीजिए कि प्रभु ने किया। मैं बस आपको एक और एग्जांपल से विराम लूंगा, सोचिएगा इस बात पे। मान लीजिए आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हो, आप छोटी सी कंपनी के लिए काम करते हो, वो छोटी कंपनी आपको होशियारपुर करतारपुर भेजती है काम के लिए, कैसे करोगे आपका, आपका रहना खाना पीना कहाँ होगा, छोटे से ढाबे में, छोटे से रेस्टोरेंट में, छोटे से सराय में। लेकिन सपोज आप बड़ी कंपनी के लिए काम करते हो, आप टाटा के लिए काम करते हो, टाटा आपको मद्रास भेजती है, चेन्नई भेजती है, 10 दिन तो चेन्नई में रहे। अब चेन्नई में आप 10 दिन टाटा कंपनी के लिए काम करो, आपका खाना पीना रहना सोना सब कुछ कौन टेक केयर करेगा। डू यू हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट कि हाय टाटा मुझे कहाँ खिलाएगा कहाँ सुलाएगा। यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू विल स्टे इन टच। आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हो, आपको अपनी लॉजिंग बोर्डिंग देखनी पड़ेगी। आप बड़ी कंपनी टाटा के लिए काम करते हो और टाटा आपको टेक केयर करेगा। सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट आपको सिएटल बुलाता है। डू यू हैव टू वरी अबाउट योर वीजा, योर टिकट, योर इमिग्रेशन, योर स्टेइंग, योर लॉजिंग, योर पिकअप, योर एयरपोर्ट ड्रॉप? यू डोंट हैव टू, व्हाई? बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। सपोज आप भारत सरकार के लिए काम करते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप भारत सरकार के लिए काम करते हो, भारत सरकार आपको अम्बेसडर बना के, भारत सरकार आपको अम्बेसडर बना के यूके भेजती है। डू यू हैव टू वरी अबाउट योर लॉजिंग बोर्डिंग, खाना कहाँ खाएंगे, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? एंड यूट्यूब में एक वीडियो है, जरूर देखना, कि इंडियन हाई कमिश्नर जब जाता है इंग्लैंड में तो उसका पहला दिन क्वीन के पास जाके कैसा होता है। You should watch YouTube में है भी। सबसे पहले आप क्वीन के पास जाते हो, किसके लिए काम कर रहे हो, आप भारत सरकार के लिए काम कर रहे हो। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, रेस्ट एवरीथिंग विल एल्स विल बी टेकन केयर फॉर यू। और प्रभु के लिए काम करने लग जाओ हर काम। तो बच्चों की केयर कर रहे हो, परिवार की केयर कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, इस भाव से करो कि प्रभु मैं नहीं कर रहा, आपने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। उसके बाद जो भी रिजल्ट हो जाएगा मुझे प्रसाद की तरह कबूल है। और घर आप हर कर्म ब्रह्मा अर्पणम कर देते हो, इस भाव से करते हो कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु करवा रहा है। उसके बाद जो भी रिजल्ट है मुझे स्वीकार है। आपको इतनी सुख, इतनी शांति, इतनी समृद्धि मिलेगी, यू हैव नो आइडिया।
लेकिन सेल्फिश होके फल के लिए कर्म करोगे, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भगवान जी डंके की चोट पे बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो सर्व पापे भी मोक्ष इच्छामि मा शुच। तो भगवान जी यही कहते हैं, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, कर्म कर, पर कर्म के फल की इच्छा मत कर, उस पर मत सोच। इस भाव से करके प्रभु ने तुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया, और लेजी बम मत बन, डोंट बी लेजी इंडिविजुअल, क्योंकि लेजीनेस इज अ क्राइम, लेजीनेस इज अ क्राइम। सो हम सब यदि कर्म को इस भाव से करेंगे, मैं गारंटी देता हूं, गीता जी गारंटी देती है, आपके जीवन में शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, एंड अध्यात्म सुख भी आएगी। सोचिए इस बात।